हेलो तो गाइस, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपनी टाटा सिग्ना का मोबिल ऑयल और पानी चेक करते हैं दोस्तों। और फिर आज जो गाड़ी का रिव्यू होगा वो दोस्तों टाटा सिग्ना का नहीं करेंगे दोस्तों, आज करेंगे अशोक लीलैंड का। मजा बांध देगा तो आपका भाई। और चलते हैं दोस्तों, फिर पहले हम करते हैं गाड़ी का मोबिल ऑयल पानी चेक। चलो भाई दोस्त, चलो भाई। भैया ये देखो, ये हमारे भाई हैं। भाई भाई वो कुछ तो बता दो यार। तो देखो अपनी मुझे भाभी में इंटरेस्ट है आपको तो है। दोस्तों मतलब भाई की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये भाई की, ये जो जा रहे हैं जिन्होंने फेस नहीं दिखाया दोस्तों, इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। मतलब ऐसी होंगी 7-8 मिनिमम। ये देखो, देख लो इनकी फेस। कुवारी कुवारी लोंडिया है। देखो दोस्तों, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, भाभी भी पटा रखी है। मतलब ये यही काम करते हैं, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं दोस्तों। और चलो आओ चलते हैं, फिर मोबिल ऑयल पानी चेक करते हैं। और जय श्री राम। और गाड़ी देखो कैसी लग रही है। और दोस्तों ये मेरी ब्लैंकेट है, अभी सब तय करना बाकी है, अभी उठाऊं। जस्ट मैं दोस्तों 5 बजे उठ गया था, 5 बजे मैंने बहुत सारा काम किया, आपको पता ही होगा क्या काम किया हुआ। थंबनेल बनाता हूं मैं, तो फिर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी ब्लैंकेट तय कर रहे हैं कपिल भाई, और फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे सुबह सुबह। पहले मोबिल ऑयल पानी चेक करते हैं। चल भाई पानी, मोबिल ऑयल पानी चेक करो। और फिर यार आज दोस्तों गाड़ी खाली होनी चाहिए, होएगी कि नहीं होएगी ये भी नहीं पता मैं, क्योंकि कल दो ही गाड़ी खाली करी है और हमारा नंबर है 3। देखते हैं क्या होता है फिर दोस्तों। चलो चलते हैं नीचे। तो आ गए हैं सुबह सुबह गाड़ी के पास और करते हैं मोबिल ऑयल पानी चेक। ये कोलेंट तो खुला है दोस्तों, देखो यहीं से दिखा रहा है दोस्तों। ये तो कोलेंट बिल्कुल ब्लू करके दिखा रहा है। और मोबिल ऑयल चेक कर देते हैं, ये वो भी देखो, मोबिल ऑयल एकदम ठीक है, परफेक्ट है। ये क्या चीज होता है भाई? ये ब्रेक ऑयल होता है। ब्रेक ऑयल होता है ये होता है दोस्तों, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल मतलब अगर आपका ये ऑयल नहीं होगा ना दोस्तों, तो क्लच अपना क्लच काम करना बंद कर देगा, क्लच हो जाएगा जाम। ठीक है दोस्तों। और ये होता है, ये देखो दोस्तों, ये होता है वाइपर का पानी, वाइपर का पानी साफ करने का। मेरे को एक भी गड्ढा नहीं लगता इसमें दोस्तों, गड्ढा लगते हैं इसको। फर्स्ट एक तो चार्जर बंद करके रखा परमानेंट, बैटरी पे असर पड़ता है उसको। जय श्री राम। फाइनली गाड़ी स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ये देखो एवरेज भी दिखा रही है गाड़ी, 2.9 का। ठीक है दोस्तों, 2.9 का एवरेज दिखा रही है और हैवी में चल रही है दोस्तों, गाड़ी हैवी में चलती है। ये हो गया अपना प्रेशर मीटर दोस्तों, ठीक है। ये FR हो गया प्रेशर, और ये डीफ हो गया, मतलब डीफ मतलब समझते हो, एड ब्लू मतलब एड ब्लू हो गया। ये टाइम दिखा रही है दोस्तों, टाइम तो गलत दिखा रही है, ये 4-5 घंटे आगे चल रही है। और ये बैटरी का करंट दिखा रही है दोस्तों 28 वाट में, ठीक है। अभी 28 की एनर्जी है मतलब बैटरी में। और ये फ्यूल हो गया दोस्तों, फ्यूल कम है अभी गाड़ी में। और ये अपना स्पीड मीटर हो गया, ये RPM मीटर हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया दोस्तों। और हॉर्न ये हो गया, हॉर्न यहाँ से भी चलता है देखो दोस्तों, हॉर्न यहाँ से भी चलता है दोस्तों, ये भी चलता है। और ये अपना, ये हमने हनुमान मंदिर पर लगवाए थे दोस्तों ये सब। और दोस्तों आज करेंगे अशोक लीलैंड रिव्यू, बिल्कुल नया घोड़ा है दोस्तों वो हमारा, ये उसको रिव्यू करेंगे। और ये देखो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तसल्ली से देंगे दोस्तों। टाटा अपनी गाड़ी है, ठीक है, टाटा को तो आपको बाद में भी रिव्यू कर देंगे, पहले अशोक लीलैंड चले जाएगा, फिर वो आपको रिव्यू रह जाएगा। अशोक लीलैंड के साथ कंपेयर करेंगे,
वैसे अशोक लीलैंड से ज़्यादा पावरफुल इंजन है इसका 200 टाटा का अपना, वो है गाड़ी 55-25 है, मतलब 250 हॉर्स पावर का इंजन है उसका, और इसका है 200-300 हॉर्स पावर का इंजन। फिर दोस्तों निकलते हैं और चलते हैं, फिर अपना गाड़ी स्टार्ट कर दिया थोड़ी देर में, चाचा वो जा रहे हैं चाय पीने जा रहे हैं, चाचा उनकी गाड़ी है दोस्तों लीलैंड, फिर वहीं मिलते हैं टाटा लीलैंड का रिव्यू करते हैं। फिर दोस्तों सफाई कार्यक्रम चालू हो गया है दोस्तों, इसमें मैट बिछवाएंगे दोस्तों यहाँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। हवा भी चल रही है यार बहुत तगड़ी, इस पर ना पोछा था फेर दिया यार पानी का बढ़िया। ये दोस्तों सफाई करने की ट्रिक्स रहती है, इससे पहले कि इसके अंदर मट्टी भर जाए यहाँ, उससे पहले हम वो लगवा लेंगे। फाइनली दोस्तों लीलैंड गाड़ी पे चलते हैं, अब हम उसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों लीलैंड गाड़ी पे आ गए हैं और ये देखो 55-25 250 हॉर्स पावर का इंजन है दोस्तों इस गाड़ी में, और ये अवतार है दोस्तों अवतार। फर्स्ट पार्ट दोस्तों अशोक लीलैंड घोड़े पे आ चुके हैं हम, और भैया ये घोड़ा है 39 लाख का, खाली घोड़ा घोड़ा दोस्तों। इसके साथ आपको 1, 2, 4, 6 टायर तो मिल जाते हैं, 6 टायर मिल जाते हैं दोस्तों, प्लस एक स्टेपनी मिल जाती है, और ये अपना साइलेंसर हो जाता है, नंगे पैर नहीं चढ़ सकते दोस्तों आप इस पे, और ये यूरिया लीटर हो जाता है, 60 लीटर की टंकी है दोस्तों यूरिया की, और ये दो प्रेशर टैंक लगे हुए हैं, दो उधर लगे होंगे, ये प्रेशर टैंक हो जाते हैं दोस्तों। ये लीड मिल जाती है आपको, ये प्रेशर की लीड है दोस्तों, पीछे के ब्रेक लगते हैं इससे, और ये अपना हो गया ये देखो ये लीड दिखाई जो मैं आपको, ये अपनी ये बिजली विभाग हो गया दोस्तों इसके, मतलब ये सारे इंडिकेटर्स लाइट जलती है दोस्तों इनकी, और ये शॉकर्स हो गए दोस्तों, देखो 1-2 शॉकर्स हो गए, और ये इंजन हो गया दोस्तों, हॉर्स पावर इंजन की होती है दोस्तों ये गाड़ी दोस्तों। इंजन होगा इसका 55-25 250 हॉर्स पावर का इंजन है दोस्तों इसमें, और 140 की स्पीड मिल जाती है आपको, और 10 गियर में गाड़ी है दोस्तों। ये गाड़ी के साइलेंसर साफ कर रहे हैं हमारे भाई जी आज, तो भाई गाड़ी के बारे में बताओ अपनी। तो दोस्तों मैं बताऊंगा गाड़ी के बारे में आपको, ठीक है दोस्तों, और भाई जी अभी कर रहे हैं साइलेंसर साफ। अगर जैसे ये अच्छा ये तो पता होगा आपको, जैसे गाड़ी चलती है 50-60-70-80 किलोमीटर तो ये गर्म हो जाता है, ये नहीं होता, मतलब ये सेफ्टी दे रखी है दोस्तों, ये सेफ्टी है, और इस पर जूते लेके नहीं चढ़ना है, ये लिखा हुआ जूते लेके नहीं चढ़ना, लिखने को तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, कि नंगे पैर भी नहीं चढ़ना है, तो पैर लेके नहीं चढ़ना इस पे, अरे काम है जब गर्म हो जाएगा तब नहीं पैर लेके चढ़ना। हाँ तो वही तो वही है दोस्तों, ये है यूरिया, ये यूरिया कितने लीटर का है, टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की टंकी है दोस्तों, ये 60 लीटर की टंकी है अपनी यूरिया की, लीलैंड की, लीलैंड का एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर है दोस्तों लीलैंड गाड़ी का अपना, ये थोड़ा नीचे देखे गलती कर दी है गाड़ी वालों ने, और वो फैन हो गया दोस्तों, आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा फैन हो गया है, ये इंजन दोस्तों, ये प्लास्टिक की डीजल टंकी दे रखी है, ये है 385 लीटर की दोस्तों, ठीक है, ये भी सेंसर वाली दे रखी है पूरी, और ठीक है दोस्तों ये हो जाते हैं 24 वोल्ट के बैटरी, दो मिलते हैं जो कंपनी के साथ, और ये उठता है दोस्तों केबिन उठाने की, केबिन उठाने का है, अगर आप इसको ऊपर वो कर दोगे और इससे राड से केबिन उठा सकते हो, इस राड से केबिन उठा सकते हो, और ये होता है दोस्तों लाइन काटने का, ठीक है, गाड़ी की लाइन काटनी होती है, और ये होता है दोस्तों टीकू स्टेयरिंग ऑयल, और ये होता है डीजल फिल्टर, पम्प मार के अगर गाड़ी हवा ले जाती है दोस्तों, पम्प मार के आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। शॉकर देख लो इसके क्या मजबूत दे रखे हैं, गाड़ी चलने में कैसी है उस्ताद, रॉकेट चलता फिरता रॉकेट है, अच्छा गड्ढे कैसे लगते हैं, गड्ढे कैसे लगते हैं, हाँ मतलब नहीं है, और ड्राइवर सीट कैसी है, बलून वाली है सिंपल है, बलून वाली है ड्राइवर सीट, अच्छा इन्हें बताया इसकी ड्राइवर सीट भी बलून वाली है, और बहुत बढ़िया गाड़ी है, गड्ढे नहीं लगते हैं, और इसका जोश का चकला हो जाता है दोस्तों,
और मैं इसका एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो इसकी, ये होती है इसकी लीड, इसके साथ दो लीड मिलती है, ये प्रेशर की लीड होगी दोस्तों, ब्रेक्स की लीड होगी ये दोस्तों, और ये होगी बिजली विभाग हो गया अपना, मतलब ये लाइट्स जलती हैं सारी इससे, ये लाइट जल जाती हैं इससे सारी। तो काफी बढ़िया काम दे रखा है मतलब लीलैंड कंपनी में, फुल पावरफुल ब्रेक के साथ मिलती है दोस्तों ये गाड़ी, 40 टन की पासिंग में है, टोटल गाड़ी 55 टन पास करती है और 40 टन माल हो जाता है, 15 टन की गाड़ी है, 13 टन की गाड़ी रहती है वैसे, 42 टन पास कर देती है आराम से। तो ये लाइन काटने का होता है, ये लाइन कट जाती है, आप इधर को कर दोगे तो लाइन जुड़ेगी, अब कट गई लाइन, काट कट आउट है। हेडलैम्प देख लो दोस्तों इसमें, लोगो लीलैंड का, अशोक लीलैंड, ये देखो दोस्तों काफी बढ़िया दे दिया है। विंडो देखो दोस्तों क्या गजब की विंडो है, और स्पीकर भी दे देते हैं दोस्तों आपको गाड़ी के साथ, स्पीकर फ्री मिलते हैं दोस्तों। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसी है, सिंपल सीट दे रखी है, इसमें नॉन एसी गाड़ी है दोस्तों, और ये आपको मिल जाता है डेक फ्री अशोक लीलैंड के। देखो दोस्तों एक स्पीकर वो है और एक स्पीकर भाई जी के बगल में, और काफी बेहतरीन लुक में है गाड़ी, हॉर्न टीटी, दोस्तों स्टार्ट करेंगे अब हम गाड़ी, ये देखो कितने सारे इंडिकेटर दिखा रहे गाड़ी, चाचा की शाही गाड़ी है, और हो गई है गाड़ी, गाड़ी की साउंड ही नहीं है बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट है, और सीट भी काफी कंफर्टेबल बना रखी है भाई जी ने अपनी गाड़ी में, और ये सामान रखने का जुगाड़ मिल जाता है दोस्तों बढ़िया। दस गियर में गाड़ी है अपनी, दस गियर लगाते लगाते थक जाता है, वो ये हैंड ब्रेक हो गया तेरे, और ये देखो दोस्तों कूलर भी दे रखा है गाड़ी में, ये हाइडिंग कर रखा है दोस्तों। ये गाड़ी एवरेज देती है 295 का, ट्रॉली है दोस्तों 33 फुट की, 34 फुट की लगा लो, ये टूल बॉक्स बना रखा है। तो फाइनली जैसे मैं अशोक लीलैंड का रिव्यू किया है, थोड़ा बहुत ही किया है दोस्तों, ये अपनी गाड़ी नहीं है मतलब अपनी कंपनी की दूसरी गाड़ी है, इसलिए नहीं हो पाते ज़्यादा करके रिव्यू, तो आपको टाटा BS6 का मैं बढ़िया करके रिव्यू करके दिखाऊंगा, कल को आएगा दोस्तों वो ब्लॉग, ठीक है दोस्तों। पहले आज अशोक लीलैंड का देख लो, कल आप इसका टाटा का देखना, बेहतरीन टाटा का एकदम A1 आएगा दोस्तों। मैं थोड़ी उसकी नॉलेज ऐसी दे देता हूँ आपको अशोक लीलैंड की दोस्तों, उसमें बलून सीट नहीं मिल रही है पर गड्ढे नहीं लगते हैं उसमें, क्योंकि उसका केबिन थोड़ा अलग टाइप का है, उसमें शॉकर दे रखे हैं, वो केबिन उड़ जाता है, ये उठता नहीं है दोस्तों, हमारा केबिन उठता नहीं है, हमारा ऐसे ही रहता है केबिन जैसा है, तो मतलब वो केबिन उड़ जाता है जहाँ से मैंने आपको दिखाया है, और केबिन उठने के बाद उसका आपको 160 का स्पीड मिल जाती है, पर 80 की स्पीड बांध रखी होती है इन गाड़ियों की, 80 ज़्यादा नहीं भगा सकते, अगर आप 80 से ज़्यादा भगाओगे तो ऑटोमेटिक कटआउट कट मार जाएगी गाड़ी, और आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, मतलब रेस छोड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों, उसमें स्पीकर्स प्लस साउंड सिस्टम सब कंपनी का रहता है, फिल्टर नीचे मिल जाता है, ड्राइवर सीट के तुरंत नीचे है, मतलब ड्राइवर सीट के बाहर से बाहर है, मतलब नीचे एकदम, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, 55 टन की पासिंग करती है, मतलब वो 15 टन की गाड़ी है, 40 टन का माल पास करती है, और सेम ऐसा ही हमारा फीचर है, मैं आपको बता दूंगा। और 39 लाख का घोड़ा है दोस्तों, वो 39 लाख कुछ हज़ार रुपए का घोड़ा है, खाली घोड़ा घोड़ा, ट्राली अलग है, 12 लाख की ट्राली है उसमें, तो बहुत महंगा हो गया लोहा जैसे गाड़ी भी बहुत महंगी हो गई है दोस्तों। पहले ये घोड़े आते थे 18 लाख रुपये के, Euro 4 18 लाख का घोड़ा था जब हमने कभी सुना था, मतलब अब 32 लाख कहाँ पहुँच गया, रेट बहुत हार्ड हो गए इनके। असली भाई दोपहर हो गई है और रोटी खाने जा रहे हैं हम दोनों कैंटीन में, और कैंटीन दिखाएंगे आज कैसी है, मैं मैंगो फ्लेवर का दोस्तों, ये देखो एक्वा गार्ड, चोरी चोरी छुपके छुपके।